नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। एयर इंडिया के विमान में एक यात्री को सिगरेट पीते पकड़ा गया। घटना 11 मार्च की है। पुलिस के मुताबिक लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक अमेरिकी यात्री टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था। क्रू मेंबर्स ने जब उसे रोका तो वह उन पर चिल्लाने लगा। फ्लाइट का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने उसके हाथ पर बांधकर उसे बिठा दिया। मुंबई में फ्लाइट लैंड होने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने 37 साल के रमाकांत पर केस दर्ज कर लिया। एक ऑफिसर ने कहा यात्री भारतवंशी है लेकिन उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। नियमों के मुताबिक विमान में स्मोकिंग करने वाले को अरेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल रमाकांत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक क्रू मेंबर ने कहा फ्लाइट में स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है। बावजूद इसके एक यात्री टॉयलेट गया और वहाँ सिगरेट पीने लगा। फायर अलार्म की आवाज़ सुनते ही हम फौरन टॉयलेट के पास पहुँचे। हमने रमाकांत के हाथ में सिगरेट देखी। इसके बाद वो हम पर चिल्लाने लगा। हमने उससे वापस सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा, वो नहीं माना और फ्लाइट में मौजूद यात्रियों से भी बहस करने लगा। क्रू मेंबर ने कहा रमाकांत ने फ्लाइट का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश की। हमने उनके हाथ पर बांधे और उन्हें सीट पर बिठाया। इसके बाद वो अपना सिर पीटने लगा। फ्लाइट में मौजूद यात्री पेशे से डॉक्टर था। हमने उनकी मदद ली। उन्होंने रमाकांत को चेक किया। इसके बाद रमाकांत ने कहा कि उसके पास कुछ दवाइयां हैं। उनका बैग चेक करने पर हमें दवाइयां तो नहीं बल्कि ई सिगरेट मिली। पुलिस ने बताया कि यात्री की मेडिकल जांच होगी। एक अधिकारी ने कहा फिलहाल यात्री के सैंपल मेडिकल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, इससे उनकी दिमागी हालत का पता लग सकेगा। साथ ही ये भी पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने किसी तरह का नशा तो नहीं किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।